सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में आ जाना है। उस पर आपको गूगल में जाके डेस्कटॉप सीट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे epfo.co.in डाल देना है। और आपको डालने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। वहाँ पे आपको मेंबर होम पे क्लिक कर देना है। मेंबर होम पे क्लिक करते ही आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड का साइन दिखाई दिया जाएगा। यहाँ पे आपको आपका यूज़र यूएन नंबर और पासवर्ड डाल देना है। चलो मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको साइन इन पे क्लिक कर देना है। वहाँ पे आपको अभी मैं जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको मैनेज में जाके मेक अ एग्जिट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करते ही आपको आपकी सर्विस हिस्ट्री का पता चल जाएगा। यहाँ पे आपको कौन सी कंपनी के एग्जिट डेट डालनी है उसका यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको जिस दिन आपने कंपनी एग्जिट की है उस दिन की एग्जिट डेट डाल देनी है। जो एग्जिट डेट ऊपर डाली है वही एग्जिट डेट नीचे भी डाल देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे एग्जिट आपने कंपनी क्यों छोड़ी उसके रीज़न डालना पड़ता है। यहाँ पे आपको रीज़न सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका रीज़न होगा यहाँ पे। और रीज़न सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो बॉक्स दिखाई दे रहा है वहाँ पे क्लिक करके सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। ओटीपी पे क्लिक करते ही आपको ओटीपी का मैसेज आ जाएगा। ओटीपी का मैसेज आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे ओटीपी डाल देना है और यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पे ओटीपी डाल देता हूँ। चलो मैं यहाँ पे अपना ओटीपी डाल देता हूँ। ओटीपी डालने के बाद लेफ्ट साइड के बॉक्स में क्लिक करके आपको सबमिट कर देना है। सबमिट पे क्लिक करते ही आपको अपडेट पे क्लिक कर देना है। अपडेट पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा वेट कर लेना है। वेट करने के बाद आपके एग्जिट डेट सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। दोस्तों अब आपकी एग्जिट डेट अपडेट हो चुकी है। अब आपका ईपीएफ का पूरा पैसा निकल सकते हो। दोस्तों ईपीएफ का पूरा पैसा कैसे निकलते हैं इसका वीडियो में कल डाल दूंगा। और इसी तरह से वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।